नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। देश भर में कोरोना के आंकड़े काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। हर आम और खास इसकी जद में आ रहा है। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। उन्होंने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। अपने ट्वीट में उमर अब्दुल्ला ने लिखा कि पिछले एक साल से मैंने इस वायरस से बचने की पूरी कोशिश की, लेकिन आखिरकार मुझे कोरोना हो ही गया। उन्होंने कहा कि मैं कोरोना वायरस से संक्रमित हो गया हूं और मुझे कोरोना के कोई लक्षण नहीं है। उमर अब्दुल्ला ने बताया कि डॉक्टरों की सलाह पर वो घर में ही सेल्फ आइसोलेशन में हैं और लगातार ऑक्सीजन के स्तर और अन्य ज़रूरी चीज़ों की निगरानी कर रहे हैं। आपको बता दें, इससे पहले उमर अब्दुल्ला के पिता और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला कोरोना की चपेट में आए थे। 3 अप्रैल को उनकी हालत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पिता के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर उमर अब्दुल्ला ने दी थी। बाद में फारूक अब्दुल्ला की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें बेहतर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 2 दिन पहले ही उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिली है। वहीं अब पिता के बाद अब उमर अब्दुल्ला को भी कोरोना हो गया है। आपको बता दें, देश में कोरोना संक्रमण बेकाबू हो चुका है। नए मामलों की संख्या हर दिन रिकॉर्ड तोड़ रही है। हर दिन दुनिया में सबसे ज्यादा केस भारत में आ रहे हैं। 4th बार देश में 1 लाख से ज्यादा कोरोना केस दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक गुरुवार को देश में 1,31,968 नए कोरोना केस आए और इस दौरान 780 लोगों की मौत हो गई। हालांकि 61,899 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। आपको बता दें, इससे पहले 4, 6 और 7 अप्रैल को 1 लाख से ज्यादा केस सामने आए थे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।